फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय टू चैनल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स वेल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। फ्रेंड्स लास्ट हमारे 6 क्लासेस में हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग कैसे करना है, कॉलम कैसे रखना है, बीम कैसे रखना है, स्लैब फुटिंग कैसे रखना है, स्टेयरकेस कहां रखना है, सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एनालिसिस। क्या होता है एनालिसिस? अब बोलोगे सर एनालिसिस के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता है, क्या पता है आपको? अब बोलोगे सर एनालिसिस दो मेथड से होती है, एक इलास्टिक थ्योरी बेस होती है और एक होती है प्लास्टिक थ्योरी बेस। करेक्ट, कुछ लोग को नहीं पता होगा तो जान लो एनालिसिस दो मेथड से किया जाता है। एक होता है इलास्टिक थ्योरी बेस होता है, मतलब इलास्टिक एनालिसिस, और दूसरा होता है प्लास्टिक एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। प्लास्टिक एनालिसिस को, प्लास्टिक थ्योरी बेस जो एनालिसिस मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिट स्टेट मेथड, जिसके लिए हम लोग IS 456-2000 को यूज करते हैं। और जो हमारा इलास्टिक थ्योरी बेस होता है उसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं, जो पहले हम लोग कोर्स में यूज करते थे। जैसे कि IS 800-2007 में कौन सा मेथड यूज करते हैं? लिमिट स्टेट मेथड। IS 800-1984 में कौन सा यूज करते थे? वहां पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते थे। कौन सा? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये तो रहा एनालिसिस। लेकिन कभी भी जब एनालिसिस आता है तो एनालिसिस किस चीज के बेस पे करोगे वो जानना बहुत जरूरी होता है। और जो जिसके बेस पे आप करोगे उसको बोलते हैं लोड्स, क्योंकि जितना लोड आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो एनालिसिस करोगे। सोचो कि आपको अगर मेरे बारे में एनालिसिस करना है, आकाश पांडे के बारे में एनालिसिस करना है, तो कैसे पता करोगे? यही देखो ना, आकाश पांडे सर कौन कौन से सब्जेक्ट जानते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जानते हैं, तो आप ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर जो है क्या हमारा लोड है, क्या है? लोड है। और प्लस मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मतलब मैंने क्या पढ़ा है, डॉल ये सब कुछ क्या है हमारा, ये सब प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ लिया कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, लेकिन अब मेरे ऊपर मैं काम क्या क्या करता हूँ वही तो मेरा लोड है। तो ये लोड आपको जानना चाहिए कि कौन कौन से लोड बिल्डिंग में होते हैं, जिनको हमको अच्छे से पता होना चाहिए, जो मेनली हमको लगना ही पड़ता है जिनके बारे में। सबसे पहला लोड है जिसको बताने की जरूरत नहीं है, डेड लोड। क्या? डेड लोड। डेड लोड क्या होता है? सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेड लोड, या फिर नॉन मूवेबल लोड इज कॉल्ड डेड लोड। इसके लिए आईएस कोड कौन सा यूज करते हो? IS 875 Part 1। करेक्ट। तो ये तो छोटा सा मेथड है, बट और थोड़ा डीप में समझते हैं कि डेड लोड कभी भी किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, डेंसिटी इंटू थिकनेस। कभी भी किसी भी चीज का लोड निकालना है तो क्या करना है आपको? डेंसिटी इंटू थिकनेस कर देंगे, लोड निकल जाएगा। अब नेक्स्ट जो लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइव लोड, और कई जगहों पे लिखा रहता है इम्पोस्ड लोड। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप में से जो फ्रेशर बच्चे होंगे थोड़े से कंफ्यूज हो लोगे, हाँ सर मैंने इम्पोस्ड लोड देखा, मैंने समझ नहीं आया कौन सा लोड है ये। तो ये इम्पोस्ड लोड मतलब जो हम लोग चलते हैं ये सब लोड्स क्या होते हैं हमारे, इम्पोस्ड लोड बोलते हैं इसको, और या फिर इसको लाइव लोड के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके लिए IS 875 Part 2 यूज करते हैं। कौन सा? IS 875 Part 2 यूज करते हैं। किसके लिए? आपका लाइव लोड के लिए। नेक्स्ट कौन सा लोड होता है जो बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा थोड़ा लोग गलत कर देते हैं? क्या? इम्पैक्ट लोड। आप लोगों ने सुना होगा कि इम्पैक्ट लोड, बट समझ नहीं आया कि इम्पैक्ट लोड होता क्या है। ऐसा हो रहा होगा आपको, लग रहा है हाँ सर इम्पैक्ट लोड क्या होता है। कहीं लोग इम्पैक्ट लोड को लाइव लोड में ही कंसीडर कर लेते हैं, ना भाई, इम्पैक्ट लोड अलग होता है और लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड अलग होता है। लाइव इम्पोज्ड जो है वो अलग है, इम्पैक्ट लोड अलग है। इसीलिए मैं इसमें एक एक लोड को डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपका प्रॉपर माइंड क्लियर हो जाए। तो जो इम्पैक्ट लोड है ये कौन सा लोड होता है? लाइव लोड की वजह से जो लोड जनरेट हो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। लाइव लोड की वजह से, रीजन से, जैसे सपोज हम चल रहे हैं तो नॉर्मल चल रहे थे, क्या हो गया? लाइव लोड हो गया। लेकिन जैसे आर्मी वाले, पुलिस वाले क्या करते हैं? मार्चिंग करते हैं ना, एक दो, आप लोग भी स्कूल में करते रहोगे, कदम डाल, एक दो, तो क्या था? तो जो वाइब्रेट आप जनरेट कर रहे थे, जो वाइब्रेशन जनरेट कर रहे थे, वो क्या है? वो इम्पैक्ट लोड है। क्या है? वो इम्पैक्ट लोड है। उसके साथ ही साथ कहीं पर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, वो भी क्या है? इम्पैक्ट लोड है। वाइब्रेट कहीं से, आप सपोज आप जहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हो उसके अगल बगल कहीं पर कोल माइन है, तो वहां पे ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग के थ्रू जो इफेक्ट आएगा वो क्या है? वो भी इम्पैक्ट लोड है। क्या है? वो इम्पैक्ट लोड है। ऐसी कोई भी लोड जो स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट करे थ्रू देयर वाइब्रेशंस, थ्रू देयर इफेक्ट्स, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे इम्पैक्ट लोड। क्लियर है क्या अभी? होप आपको शायद कुछ नया मिल रहा होगा।
मैं धीरे धीरे एंट्री करूंगा, एक साथ एंट्री किया तो फिर नैया डूब जाएगी, आपकी नहीं मेरी भी नहीं किसी में डूबी, डोंट वरी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो लोड है वो कौन सा लोड है हमारा, वो लोड है हमारा विंड लोड। कौन सा? विंड लोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये विंड लोड कहाँ लगाऊं मैं, आप विंड लोड बताते तो, बट मैं समझ नहीं आता कौन से बिल्डिंग में लगाना चाहिए विंड लोड। तो विंड लोड सबसे पहले जानना चाहिए कि विंड लोड का, या जो आपका आप जिस एरिया में बना रहे हो उस एरिया का विंड लोड मैक्सिमम कितना लोड है, वहां पे बेसिक विंड स्पीड वहां की कितनी है। तो जैसे कि अगर मैं अभी पुणे में बैठा हूं, तो पुणे का बेसिक विंड स्पीड क्या है, तो पुणे का बेसिक विंड स्पीड 39, अब यूनिट में आप कंफ्यूजन हो गया, आपको यूनिट में कंफ्यूज मत होना, मीटर पर सेकेंड, 39 मीटर पर सेकेंड। ये कब तक के लिए है? ये बेसिक लेवल का विंड स्पीड है अप टू 10 मीटर तक के लिए। 10 मीटर तक का बेसिक विंड स्पीड कितना है? 39 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 10 मीटर के जब ऊपर जाते हो, 10 मीटर के ऊपर जाते हो, वहां पे विंड एनालिसिस करना चाहिए। और जब 10 मीटर के ऊपर हम जाते हैं और वहां विंड करते हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स देखना पड़ता है? आपने सुना होगा VB = K1, K2, K3, अभी तो K4 भी आ गया है, साइक्लोन इफेक्ट्स, लेकिन जनरली हम लोग K1, K2, K3 को प्रिफर करते हैं। तो ये आप सोचते हो कि VB क्या है? ये बेसिक विंड स्पीड होता है, जिसको हम लोग फिर क्या करते हैं लास्ट में विंड प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 0.6 VZ² पहले हम लोग, मैं वैसे जो हमारे देखो क्या होता है कि बहुत एक्सप्लेन करने वाले, बहुत ही एक्सप्लेन करने वाले टॉपिक हैं, तो इनको तो एक घंटा लगता है। अभी जो मेरा जिसने भी अभी स्टेट प्रो की बैच ज्वाइन नहीं किया हो, स्टेट प्रो प्लस RCGC, उसमें मैं ये फुल डिस्कशन मारता हूँ कि K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3, मतलब डीप में जाता हूँ, क्योंकि एक से डेढ़ घंटा मेरे पास होता है वहाँ पे। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है स्टेट प्रो RCGC की बैच, तो कर लेना। चलो अब हम बात करते हैं K1 क्या होता है, ठीक है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि लाइक हमारा K1 क्या है और K2 क्या है, K3 क्या है। K3 क्या होता है? टोपोग्राफी फैक्टर्स होता है। क्या होता है? टोपोग्राफी फैक्टर्स होता है, मतलब कि आपका जो बिल्डिंग्स है वो किस एरिया में, हिली एरिया में है कि प्लेन एरिया में है, जिसके अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, वो हमें डालना पड़ता है। K2 क्या है? K2 हमारा टेरेन कैटेगरी है। क्या है? टेरेन कैटेगरी है। वो बताता है कि आप जहाँ बना रहे हो बिल्डिंग, उसके बगल बगल कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है विंड एनालिसिस पे, सर्च करो और पढ़ लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें पूरा मैंने टेबल दिखाया हुआ है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन आउटर साइड ऑफ द बिल्डिंग्स 0 to 1.5 मीटर तक रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आप जहाँ बिल्डिंग बना रहे हो उसके बाहर जो बिल्डिंगें हैं 0 to 1.5 मीटर तक रहेंगे तो टेरेन कैटेगरी 1, 1.5 टू 10 मीटर तक रहें तो टेरेन कैटेगरी 2, 10 टू 20 रहेंगे तो टेरेन कैटेगरी 3, 20 से ज़्यादा हाइट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो टेरेन कैटेगरी 4 में आएगा। फिर मैंने स्ट्रक्चर क्लास बताया हुआ है आपको, तो वो पूरा एक विंड एनालिसिस का वीडियो बनाया, सर्च कर लो, पढ़ लो। चलो अब बात करते हैं K1 क्या है, रिस्क कोफिशिएंट क्या है, रिस्क कोफिशिएंट इसके बारे में भी जानना चाहिए। जितना ज्यादा बिल्डिंग का लाइफ होता है उतना ज्यादा रिस्क कोफिशिएंट डालना पड़ता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल बिल्डिंग 50 इयर्स के लिए डिजाइन करते हैं, कॉमर्शियल जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं ये सब हम लोग 100 इयर्स के लिए डिजाइन करते हैं, तो सबका ये फैक्टर है। तो आप इसके फैक्टर्स को ऊपर डालो कि क्या होता है K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3, फिर इनको कैलकुलेट करने के बाद 0.6 VZ² से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, विंड प्रेशर आ जाता है। चलो विंड का समझ आ गया आपको, इसके लिए ISA 875 Part 3 यूज कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट लोड है सबसे खतरनाक वाला, मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा है। तो अर्थक्वेक को मैंने खतरनाक क्यों बोला, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है हर लोड का डायरेक्शन फिक्स है। डेड लोड कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा भाई। लाइव लोड कहाँ से आएगा? जब हम लोग चलेंगे तब आएगा भाई। विंड लोड कैसे आएगा? ऐसे धीरे 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 ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाता है। विंड लोड क्या होता है? प्रेशर के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। बट सेज्मिक लोड बहुत ही खतरनाक, क्यों? क्योंकि ये जिगजैग चलता है। क्या चलता है? ये जिगजैग चलता है। तो जिगजैग में एक प्रॉब्लम होती है, क्या? कौन से जगह पे इफेक्ट कर देगी बिल्डिंग में पता नहीं है हमें। पता होता तो हम लोग अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बना सकते थे। कोई भी अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं बना सकता है। आप लोग सर क्या बात करते हो, मतलब हमारा घर अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है? नहीं, आपका घर जो बना है या जो आप बनाओगे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकती है, बट यू कांट से कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग है। 100% प्रूफ कोई बिल्डिंग नहीं हो सकती है। जब आपका वहां पे ज्यादा रेक्टर का अर्थक्वेक आएगा तो इफेक्ट आना फिक्स है।
हाँ जितना जिसका रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे भी कोविड का टाइम आप देख रहे होंगे, जैसे जिसकी जिसकी एज ज्यादा होगी कोविड पॉजिटिव हो रहा है तो टिकट कट रहा है उसका, लेकिन जिनका एज कम है या जिनको जिनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है वो क्या हो रहा है, उनका टिकट नहीं कट रहा है, मतलब अंदर वायरस आ रहा है बट रजिस्ट कर पा रहे हैं, वो झेल पा रहे हैं उस वायरस को, फिर वो चला जा रहा है। तो इसी तरीके से बिल्डिंग में भी होता है, अगर बहुत ही अच्छे से आपने डिजाइन किया हुआ है अर्थक्वेक के डाटा को लेके, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है, अर्थक्वेक को झेल लेगा, बट यू कांट से अर्थक्वेक प्रूफ, मतलब कोविड से बच जाना 100% फिक्स नहीं है, हाँ चल जाएगा ऐसा फिक्स है। चलो अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया, तो ये कहाँ पे आपको सेस्मिक एनालिसिस करना चाहिए। अब सेस्मिक में यार दो होते हैं, इसको भी मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, एक होता है स्टैटिक एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक फिर कभी डिस्कस करेंगे, आगे आने वाला वैसे अपना टॉपिक है इस सीरीज में, डायनेमिक भी है और स्टैटिक भी है, बट अभी अगर मैं बताऊं तो स्टैटिक में हम जोन देखते हैं, कौन से जोन में आपकी बिल्डिंग्स आ रही है। अगर बिल्डिंग आपकी जोन टू या जोन थ्री में है, जोन टू का फैक्टर क्या होता है 0.10, जोन थ्री का क्या होता है 0.16, जोन टू या जोन थ्री में है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप ज्यादा टेंशन मत लो कि आपको नहीं लगाया तो फेल हो जाएगा, नहीं ठीक है। और अगर आपका बिल्डिंग जोन फोर या जोन फाइव में है तो अर्थक्वेक आपको प्रेशर लगाना ही है, क्यों, जोन फोर का जो फैक्टर होता है वो ज्यादा होता है, कितना होता है 0.24, जोन फाइव का कितना होता है 0.36, तो जोन फोर और जोन फाइव के हर एक बिल्डिंग में आपको अर्थक्वेक लगाना ही चाहिए कंपेयर टू जोन टू या थ्री। अभी जो 2016 में आया था वो नेपाल में, वो नेपाल वाला जो एरिया है पूरा अपना आपको पता होना चाहिए जोन फाइव में। आईएस 4 के लास्ट पेज, आईएस 18932016 के लास्ट पेज पे जाओ तो वहां पे दिया हुआ है पूरा का पूरा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब लगाते हैं तो वहां पे स्टिफनेस मॉडिफायर्स लगाते हैं जो कि ईटैप में आता है और ईटैप में हम प्रॉपर डालते हैं कि स्टिफनेस मॉडिफायर्स क्या होता है उसको हमको डालना पड़ता है। जिस बिल्डिंग में जितनी स्टिफनेस कम रहेगी, स्टिफनेस मतलब क्या होता है कठोरता, स्ट्रांग, तो जितना कम रहेगा स्टिफनेस उतना ज्यादा बिल्डिंग क्या होगी फ्लेक्सिबल होगी, और जब बिल्डिंग फ्लेक्सिबल होगी तो आपको एक चीज का क्लियर होना चाहिए कि जो चीज फ्लेक्सिबल, आप अगर मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो अगर कुछ इफेक्ट आता है मैं ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा, तो इफेक्ट उस पर सेस्मिक का कम आता है, अर्थक्वेक का इफेक्ट कम आता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर बड़े फ्लेक्सिबल हो गए, आपका स्टिफनेस बहुत ज्यादा आपका कम हो गया, फ्लेक्सिबल हो जाएगा स्ट्रक्चर नो डाउट, बट एक प्रॉब्लम होगी स्टोरी ड्रिफ्ट हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये कौन सी नई कहानी सुना रहे हो स्टोरी ड्रिफ्ट का, स्टोरी ड्रिफ्ट मतलब कोई एक फ्लोर ऐसे हो जाएगी, इसका मैं कल एक छोटा सा एग्जांपल मुझे मिला, अभी मेरे मैं स्कीपिंग कर रहा था रोप से, तो अब देखो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये भी तो जॉइंट्स ही है ना, हमारे सब जॉइंट्स ही है, तो मैं स्कीपिंग लगभग 800 कर लिया, कितना कर लिया 800, और मेरी जो कैपेसिटी थी 300-400 तक की थी क्योंकि प्रैक्टिस करते करते। अब 800 किया तो क्या हो गया, हमारा जॉइंट जो था बहुत ही ज्यादा इसका स्टिफनेस जो है वो बढ़ गया, सॉरी स्टिफनेस कम हो गया, तो क्या हो गया स्टिफनेस कम हुआ तो क्या हो गया ये फ्लेक्सिबल हो गया बहुत ज्यादा। फ्लेक्सिबल होने से क्या हुआ, स्टोरी ड्रिफ्ट हो गई, थोड़ा सा इधर से इधर हो गया, डिस्टर्ब हो गया मुझे लगता है कि अभी पेन कर रहा है, तो क्या हुआ स्टिफनेस आपकी कम हुई, कठोरता कम हुआ, फिर क्योंकि बार बार ऐसे ऐसे स्किपिंग रोप कर रहे हो तो बार बार अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो ना कि ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल तो हो जाएगा बट स्टोरी ड्रिफ्ट हो सकती है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट लोड्स एंड एनालिसिस, आगे हम लोग डिजाइन वगैरह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कंप्लीट। अभी भी जिसने स्टैट प्रो का क्लास ज्वाइन नहीं किया है, आरसीटीसी का नहीं किया है, प्लीज कर लो। ऑटोकैड नहीं किया है तो आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पे जाओ, डेली ऑटोकैड 6:30 से 7:30 पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स है, रेरा लेके बिल्डिंग बाई को लॉक लेके एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे मेरे भाई। अब कोशिश किया जा रहा है कि आपको बांगे बांगे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कुछ अमाउंट पे दिया जाए, क्यों, जिससे कि जो भी लोग हैं उनको एटलीस्ट कंपनी में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ सकते हैं, तो ये सब मैं क्लासेस में डिस्कस करता हूँ। तो आप ये पूरी सीरीज को डेली देखा करो 7:30 पे, एक दो दिन का मतलब एक दिन का गैप हो जाता है मेरा, अल्टरनेट डेज पे आ पाता है वीडियो, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी रहते हैं, ऑफिस का भी काम रहता है, प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है, बट कोई नहीं अपन मिलते रहेंगे। अभी मैंने GoPro कैमरा खरीद लिया है बट अनबॉक्सिंग करने का टाइम नहीं मिला, करूंगा आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पे, तो फिर वहां से हमारा वीडियो जो है वो GoPro पे ही आएगा। अभी भी मैं मोबाइल पे ही बना रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे प्रैक्टिस है, क्या हो गया है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक वन परफेक्ट,
तो मैं जल्दी ही GoPro पे भी प्रैक्टिस करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।